बकरे से कसाई चाहिए हो तो ये हमारे अली भाई, ये वन कसाई बहुत महंगा है, अभी से बुकिंग करा लो सस्ता पड़ जाएगा, बकरे से बहुत महंगा पड़ेगा। क्या वक्त थे वो बचपन के, ईदी मिला करती थी मगर अब ईद देनी पड़ती है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूँ आतिफ राव और आज है ईद का दिन, तो अभी फजर की नमाज़ पढ़ के फारिग हुआ हूँ, अभी नाश्ता करने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, नाश्ता करते वक्त भी वीडियो उसमें डालूंगा। अच्छा, नाश्ते के बाद ईद की नमाज़ अदा करेंगे और आज पूरे दिन की रूटीन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। भाई नाश्ते का तो प्लान हो गया कैंसिल, सही है, तो नाश्ता नहीं कर रहे अभी, टाइम है मतलब 6:30 तकरीबन हो रहे हैं और नमाज का टाइम है जमात का, ईद का सवाट, इतनी देर कुछ चला के टाइम गुजारते। अच्छा तो भाई आपके रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सुन्नत है ईद वाले दिन के जिस रास्ते से जाएं वापसी पर दूसरे रास्ते, मतलब दो रास्ते इस्तेमाल करें, तो अभी सुन्नत पे अमल करते हुए मैं अपने बैक गेट मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ और आते हुए इंशाल्लाह फ्रंट गेट से आऊँगा, और तकबीरात कहना भी सुन्नत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा, तकबीरात कह लेते हैं पहुँचते पहुँचते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहि अलहम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहि अलहम्द, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की नमाज पढ़ ली है, हाँ, ताजदार खत्म हो जिंदाबाद, माशाल्लाह मस्जिद के मनाजिर आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत हैं, माशाल्लाह लोग तमाम सब का बेहतरीन खिताब, बेहतरीन दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये देखें अभी घरों में जाने की माशाल्लाह सीन हो रहा है, घरों में जा रहे हैं अभी हम, जो हमारे रिश्तेदार हैं, मेरी बांजी भतीजियाँ तैयार हो गई हैं, हैं चलो भाई, ये सब तैयार है माशाल्लाह, रेडी हो, ईद मना ली है ये अभी मनाओगी, ईद मनाओगी, चश्मा किधर है आपका, हैं भाई, ये बच्चा बाड़ी रेडी है और घूमने के लिए तैयार है, घूमने जा रही हो किधर, नहीं नहीं जा रही, नानी के नहीं जाओगी, कब कल जाओगे, आप पंजाब जाओगी, वाह भाई वाह, सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं और हम यहीं घरों, भाई तो अभी सोने का टाइम हो गया, सारे घरों में मिल लिए हैं, जितने रिश्तेदार थे रिश्तेदार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं, तो मुलाकात का सीन हुआ, सबके घरों में गए, ईद पे होता ही ऐसा है कि अपनों के घरों पर जाते हैं। अच्छा तो भाई सीन इस तरह है कि आपके भाई के पास है DSLR, आपके भाई ने ईद की शूट तो कर ली है, पिक्चर्स खींच ली, मगर वो मेमोरी कार्ड जो होता है वो होता है बड़ा, उसके लिए चाहिए कार्ड रीडर ताकि लैपटॉप में पिक्चर्स ट्रांसफ़र करूँ और ईद वाले दिन ही यूज़ करूँ, मगर बदकिस्मती से दुकानें सारी बंद हैं और जो दुकानें खुली हुई उन पर कार्ड रीडर नहीं है, तो क्या करें, चलें खैर अब वो पिक्चर ईद के बाद लगा देंगे, फिलहाल तो इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा, मे बी पॉसिबल रस्ते में कोई मुझे दुकान मिल जाए, दुकान के ऊपर मुझे वो कार्ड रेट मिल जाए, फिलहाल कोई कार्ड रेट नहीं मिल रहा। भाई ये वाली मार्केट थी आखिरी उम्मीद, तो आखिरी उम्मीद थी दम तो हो गई, इट्स मीन अब तस्वीरें ईद के बाद ही अपलोड होंगी। अच्छा अभी बस सोने वाला था मगर टाइम हो गया नमाज का, जोहर का, और नमाज तो हर हाल में इम्पॉर्टेंट है, नींद से बेहतर नमाज है, इसलिए नमाज पढ़ के फिर नींद पूरी करेंगे, भाई नींद तो पूरी करनी है ना, क्या भाई तो नमाज़ पढ़ ली है, मेरा ये ख्याल कि आज सोने को मिलेगा, इसलिए नहीं क्योंकि भाई अबू कह रहे हैं कि अभी कब्रिस्तान जाना है और रमज़ान में, रमज़ान के बाद ईद वाले दिन कब्रिस्तान अब जाना वैसी सुन्नत है, तो सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा और वालिद साहब ने कहा है तो उस पर भी अमल हो जाएगा, तो इंशाल्लाह कब्रिस्तान जाते हैं, मरहूमिन के लिए दुआएं करते हैं। अच्छा तो कब्रिस्तान पहुँच चुके हैं, दुआ पढ़ लें, अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अहले कुबूर, या गफिरुल्लाहु लना वलकुम अंतुम सलफना व नहनु बिल आसर, क्योंकि ईद के दिन कब्रिस्तान आना और अपने अजीज़ों को इस वाले सवाब करना सुन्नत मुबारक है, तो इस सुन्नत पर अमल करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना मफ़ूमन कि जो मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करे अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा, तो ये सवाब हमें कब्र में काम आएगा, तो जितनी हो सके हम सुन्नतों को ज़िंदा करें और ये सवाब कमाएँ। कैसे बेबस पड़े हैं लोग, यहाँ पर मर्द की जवानी और औरत का हुस्न दोनों ही आखिरी आरामगाह में, तो अल्लाह करीम हमें आखरत की फिक्र नसीब फरमाए। हाँ तो बहन के घर आ गए हैं, क्या वक्त है वो बचपन के, ईदी मिला करती थी मगर अब ईद देनी पड़ती है यार,
भाई तो अलहमदिल्ला आज का ब्लॉग एंड को पहुंचा। भाई थक गया हूँ, काफ़ी जगह आ गया, रात का भी जागा हुआ था, ऑफिस गया हुआ था, अभी जाके सोऊंगा, बल्कि उससे पहले एडिटिंग करूँगा ब्लॉग, क्योंकि ईद ख़त्म हो जाएगी, उसका फ़ायदा नहीं है ना, तो ब्लॉग एडिट करके उसको अपलोड करूँगा, अपलोड करके सो जाऊँगा। तो भाई खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग करता है, नेक्स्ट वीक करता है।